पिछले कुछ दिनों से विपक्षी पार्टियां रोज ही केजरीवाल सरकार पर दिल्ली जल बोर्ड में घोटाले करने का आरोप और प्रत्यारोप लगा रही हैं। इसी के चलते आज दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने इन आरोपों का जवाब देते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कैग को पिछले 15 साल का स्पेशल ऑडिट करने के आदेश दिए हैं। आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगे ये भी कहा कि केजरीवाल सरकार शुरू से ही इस देश में होने वाले भ्रष्टाचार के खिलाफ है और आगे भी हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ ही लड़ते रहेंगे। उनकी सरकार हमेशा से पारदर्शिता में भरोसा रखती है, इसीलिए इन झूठे आरोपों के खिलाफ तुरंत ही कैग को ऑडिट करने के निर्देश दिए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल का जवाब देते हुए जल मंत्री आतिशी ने यह भी कहा कि ये फंड के मामले GNCTD एक्ट आने के बाद से ही शुरू हुए हैं, क्योंकि दिल्ली सरकार के अंतर्गत काम करने वाले सभी अफसर सरकार की बात ही नहीं मानते हैं। जल शक्ति मंत्री आतिशी, जो खुद वित्त मंत्रालय भी संभालती है, उनके खुद के 3 बार के आदेश देने के बावजूद भी दिल्ली जल बोर्ड का फंड रुका हुआ है। दिल्ली जल बोर्ड को लेके, जो दिल्ली की सरकार का एक हिस्सा है और एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, बार बार विपक्ष द्वारा सवाल उठाए जा रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने ट्रांसपेरेंसी के इंटरेस्ट में, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के इंटरेस्ट में और सारे तथ्यों को सामने लाने के लिए दिल्ली जल बोर्ड का 15 साल का स्पेशल ऑडिट CAG द्वारा ऑर्डर किया है। कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने यह फैसला लिया है कि 2008 से लेके अब तक दिल्ली जल बोर्ड के सारे अकाउंट्स को CAG द्वारा स्पेशल ऑडिट करवाया जाएगा। यह CAG ऑडिट इसलिए ऑर्डर किया गया है क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी की सरकार का भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस था, भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस है और भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस रहेगा। कोई भी आरोप कितना निराधार भी हो, वहां पर भी ट्रांसपेरेंसी के इंटरेस्ट में हम ये CAG का ऑडिट करवा रहे हैं, 15 साल का ऑडिट करवा रहे हैं और CAG से आग्रह करेंगे कि इसको जल्द से जल्द उसकी पूरी कार्यवाही करें। वीडियो डेस्क NBT ऑनलाइन।